अस्सलाम वालेकुम। अपने लेक्चर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 का 11th लेक्चर है। और जैसा आप सबको पता है कि हम अपने सिलेबस का लास्ट चैप्टर यानी चैप्टर 4 जो कि पेंडिंग था हमारा, नेमली गवर्नमेंट अकाउंट्स, पढ़ रहे हैं। और इस चैप्टर पे आज थर्ड लेक्चर होगा जिसके अंडर हम रूल 88 to 91 कवर करेंगे। आज के लेक्चर में जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो है एनुअल अकाउंट्स एंड देयर प्रेजेंटेशन, यानी एक गवर्नमेंट के एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, कौन उन्हें बनाता है और कहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशन होती है, वो हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि हम अपनी रूलिंग्स को इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट आर एनुअल अकाउंट्स गिव देयर टाइप्स, यानी एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं और उनकी कितनी किस्में हैं। तो मैं आपको ये ऐसे समझाती हूँ कि एक गवर्नमेंट, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो, स्टेट की हो, यूटी की हो, वो एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी ट्रांजैक्शंस करती है, चाहे वो रिसीट्स हो या डिसबर्समेंट्स हो, यानी चाहे वो रेवेन्यू हो या एक्सपेंडिचर हो, उनकी जो ओवरऑल डिटेल होती है वो एक स्टेटमेंट के थ्रू बनाई जाती है और उन स्टेटमेंट को हम एनुअल अकाउंट्स का नाम देते हैं। ठीक है, यानी फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर एक गवर्नमेंट जो अपनी रिसीट्स और डिसबर्समेंट की ओवरऑल डिटेल्स मेंटेन करती है, वो डिटेल्स मेंटेन की जाती है थ्रू सर्टेन टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं एनुअल अकाउंट्स। फाइन, यानी एनुअल अकाउंट्स एक गवर्नमेंट के वो अकाउंट्स होते हैं जिनके अंडर हम एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के ओवरऑल रिसीट्स और डिसबर्समेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, उसके बाद अब आप कहेंगे कि मैंने यहां पे नाम लिया स्टेटमेंट्स का, तो ऑब्वियसली ये कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के जो कि हम बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स। तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट का नाम यहां पे लिया, सो दैट आपको समझ आए कि ये कोई बैंक अकाउंट टाइप या जो हमारे हमने पढ़े कि गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा था कंसोलिडेटेड फंड या हमारा था पब्लिक अकाउंट, आप उसके साथ इसको जो है मैसअप ना करें। तो इस वजह से मैंने कहा कि ये स्टेटमेंट टाइप रिप्रेजेंटेशन होती है ओवरऑल एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर ऑफ ए गवर्नमेंट की रिगार्डिंग उस फाइनेंशियल ईयर के रिसीट्स और डिसबर्समेंट की। ठीक है, सो एज पर GFR 2017 हमारे पास दो टाइप के एनुअल अकाउंट्स होते हैं गवर्नमेंट के, अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट। नाउ अप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? जैसे हमें पता है कि जब बजट सेशन खत्म होता है और अप्रोप्रिएशन सैंक्शन हो जाती है, अप्रोप्रिएशन सैंक्शन होना मींस बजट अलॉट होना, जैसे हमने बजट में पढ़ा पूरा, जब हमने वो बजट का एक प्रोसीजर पढ़ा फ्रॉम इनिशिएशन टू क्लोजर, हमने उसमें देखा कि जब बजट अलॉट होता है एट द एंड ऑफ बजट सेशन, उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन एक्ट। फाइन, तो अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंडर हमें बजट दिया जाता है चार्जड और वोटेड आइटम्स के लिए। ठीक, तो जो वो बजट हमें मिला, जो वो अप्रोप्रिएशन हमें मिली, वो हमें एनस्विंग यानी अप्रोचिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए मिलती है ना। मैं ऐसे आपको समझाती हूं कि अभी जो बजट सेशन चल रहा है उसमें जो भी हमें अप्रोप्रिएशन सैंक्शन होगी, जो भी बजट अलॉटमेंट होगी, वो किस फाइनेंशियल ईयर के लिए होगी? ऑब्वियसली फाइनेंशियल ईयर 2023-24, यानी 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, है ना। अभी तो चल रहा है हमारा फेब, यानी आज लास्ट डे ऑफ द फेब है, लेकिन फेब 2023।
अभी हमारा बजट सेशन चल रहा है, मार्च में भी चलता रहेगा, और एट द एंड जब 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा 23-24, तो जो हमारी बजट इस सेशन में डिस्कस हुई, वोट हुई, या जो चार्जेड आइटम्स थे, जो हमें उसके बाद हमारा बजट मिलेगा एट द एंड ऑफ दिस बजट सेशन, वो बजट हमें मिलेगा चार्जेड आइटम्स के लिए भी और वोटेड आइटम्स के लिए भी, और कब हम वो खर्चा करेंगे वो बजट सारा, कब उसका एक्सपेंडिचर हम प्रैक्टिकल लेवल पे करेंगे, जो आने वाला हमारा फाइनेंशियल ईयर है ना, यानी जो भी हमें अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंडर बजट एलोकेशंस दी गई फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24, वो ऑन द बेस ऑफ कैलकुलेशंस है और हमें दी गई। लेकिन ये जो बजट हमें दिया गया, ये डिफरेंट हेड्स के लिए होता है ना, वोटेड आइटम्स के लिए अलग से होता है, चार्जेड के लिए अलग से होता है, कैपिटल के लिए अलग से होता है ना, और इसके साथ साथ हमें जो है इसमें टारगेट्स वगैरह भी होते हैं, तो ये हमें कैलकुलेशन बेसिस पे दिया जाता है। फिर जब हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाएगा और इस अलॉटेड बजट की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे होनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी उन आइटम्स पे वो बजट खर्चा होना स्टार्ट हो जाएगा जिनके लिए इन्हें दिया गया है, तो क्या हो जाता है, वाइल करेंसी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जो हमें बजट एलोकेशंस दी गई होती है, किसी आइटम में कम पड़ जाती है, किसी में बराबर हो जाती है, किसी में उसमें एक्सेस हो जाता है, किसी में सरेंडर हो जाता है ना, तो एग्जैक्टली वही नहीं रहता है हर आइटम के अंडर जो हमें अलॉट दिया गया था अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंडर। चेंजेस प्रैक्टिकली जब हम इंप्लीमेंट करते हैं उस बजट को, जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ऊपर नीचे हो ही जाता है जो हमें सेट लिमिट्स दी गई होती है ना। तो एक कंपेरिजन बिटवीन कि हमें अप्रोप्रिएशन एक्ट के अंडर क्या दिया गया था बजट फॉर बोथ वोटेड एंड चार्जेड आइटम्स, और फाइनेंशियल ईयर के दौरान फिर प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे उन आइटम्स के अंडर किस तरीके से एक्सपेंडिचर हुआ, इन दो चीजों में जो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ आया, यानी जो हमें बजट मिला था एट द एंड ऑफ बजट सेशन फॉर नेक्स्ट और एनसुइंग फाइनेंशियल ईयर फॉर वेरियस वोटेड एंड चार्जेड आइटम्स, उसकी ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन पे किस तरीके से डिविएशन हुई, या किस तरीके से वो बराबर इंप्लीमेंट हुआ, या कहां पे एक्सेस हुआ, सरेंडर हुआ, वो चीज, इन दोनों का एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट, यानी कितना दिया, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, कितना कम पड़ा, इसका एक ओवरऑल कंपेरेटिव स्टेटमेंट जो है वो जब बनाया जाता है उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो फिर हमें पार्लियामेंट में पेश करना होता है, हमें मतलब गवर्नमेंट को, वो प्रेसिडेंट साहब जो है वो फिर पार्लियामेंट में पेश करते हैं, सो दैट ये पता चले कि कितना बजट सैंक्शन हुआ था किस आइटम के लिए और कितना उसका इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली फिर हुआ, कितना दिया गया और फिर कितना कम या ज्यादा पड़ा, तो उस चीज की ओवरऑल एक जो डिटेल बनती है उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई होप आपको समझ आया होगा कि क्या मिला था और फिर असल में खर्चा क्या हुआ, इन दोनों का जो एक कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनता है उसे हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो बनते हैं फॉर वेरियस गवर्नमेंट्स, उसमें क्या होता है, उसमें हम बजट एलोकेशन जैसे मैंने आपको बताया, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की डिटेल्स भी दी जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स क्या होती है उनकी डिटेल्स दी जाती है, उसके बाद सरेंडर मत हुआ कुछ, ठीक, या रिअप्रोप्रिएशन तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है हम रिअप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं। फाइन, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन करते हैं। नाउ अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, फिर इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ओवरऑल मॉनिटरिंग ऑफ बजटरी प्रोविजन मिल जाती है, यानी कि किस तरीके से जो हमारा बजट था उसके क्या क्या प्रोविजन हमें देखने को
मिले और क्या क्या प्रोविजन्स रखे गए थे उसकी एक ओवरऑल मॉनिटरिंग हमें मिलती है और साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी आइडिया मिलता है ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट और ऑफ ए पर्टिकुलर गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट हुआ. यहां आपको क्वेश्चन आ सकता है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें दिखाई जाती है और अप्रोप्रिएशन अकाउंट से हमें क्या फायदा है. तो आप जो है पहले डेफिनेशन दे सकते हैं जैसे मैंने दी है. इसमें आप क्या क्या चीजें आपकी आती है वो भी मैंने आपको बताई, ओरिजिनल बजट एलोकेशन, अप्रोप्रिएशन, सप्लीमेंट्री ग्रांट, सरेंडर्स वगैरह, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसमें जो है दिखाया जाता है ऑन वेरियस सर्विसेज. ठीक है, और उसके बाद जो है इसका क्या फायदा है, फायदा ये है कि हमें बजटरी प्रोविजन की ओवरऑल मॉनिटरिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ए स्टेट ऑफ ए गवर्नमेंट दिखाता है. ठीक, सो इन अदर वर्ड्स हम क्या बोलेंगे कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट के जितने सारे एक्सपेंडिचर्स हुए होते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में उनका कंपैरिजन दिखाता है अगेंस्ट कि कितना हमें दिया गया था पैसा अंडर वोटेड एंड चार्जेड आइटम्स. ठीक है, जबकि अप्रोप्रिएशन एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ था. फाइन, जैसे मैंने आपको बताया कि इस अकाउंट यानी अप्रोप्रिएशन अकाउंट और अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के अंडर क्या क्या होता है, रेप्रोप्रिएशन की डिटेल मिल जाती है हमें, सेविंग्स की, एक्सेस वगैरह की डिटेल्स मिल जाती है. और इससे हमें ये फायदा है कि जैसे मैंने अभी बताया ओवरऑल बजट की जो मॉनिटरिंग है या फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका हमें जो है आइडिया मिलता है और साथ ही साथ ये पार्लियामेंट और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी को भी हेल्प करता है कि वो परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट देखे, यानी गवर्नमेंट को जितना पैसा दिया गया था और उस पैसे के अंडर, उस बजट के अंडर गवर्नमेंट ने क्या परफॉर्मेंस दिखाई वो भी हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही पता चल जाता है. ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है वो सबमिट किए जाते हैं पार्लियामेंट में, जो यूनियन गवर्नमेंट के होंगे वो पार्लियामेंट में सबमिट किए जाते हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 151 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और उनमें जरूरी ये तीन चीजें होनी ही होनी चाहिए. पहला कि कितना मनी डिसबर्स हुआ था, कितना अवेलेबल था और क्या वो उसी पर्पस के लिए यूज किया गया जिसके लिए दिया गया था, ये डिटेल होनी चाहिए. उसके साथ साथ एक्सपेंडिचर जो है जिस अथॉरिटी को दिया गया था क्या उस अथॉरिटी के थ्रू ही हुआ या नहीं हुआ वो चीज मेंशन होनी चाहिए. और रिअप्रोप्रिएशन अगर हुई उसके क्या इफेक्ट्स पड़े. ठीक है, रिअप्रोप्रिएशन अगर किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट ने करी उसके क्या इफेक्ट्स पड़े, तो ये तीन चीजें तो डेफिनेटली अप्रोप्रिएशन अकाउंट में मेंशन होनी चाहिए. और उसके बाद बाकी सारी ओवरऑल जो इसकी रिएम्बर्समेंट्स की और हमारी रिसीट्स की डिटेल्स और हमारा कैपिटल रेवेन्यू वगैरह वो सब आएगा. मेन बेसिक ये तीन चीजें होनी ही होनी चाहिए. अगर कोई चीज इसमें से अवॉइड की गई तो वो नहीं चलेगा. ये तीन चीजें बेसिकली इस अकाउंट में होनी चाहिए, ये तीन इंफॉर्मेशन. और उसके साथ जो मेन इंफॉर्मेशन हमें बोली गई है कि इसमें होनी चाहिए ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में क्या एक्सपेंडिचर हुआ, कंपैरिजन होना चाहिए, उसके अंडर हमें जो है रिअप्रोप्रिएशन, सरेंडर, एक्सेस वगैरह की सारी डिटेल्स भी होनी चाहिए. ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ये जो तीन चीजें हैं ये मैंने क्यों बताई बेसिक है. अगर हम देख रहे हैं कि हमारा रिअप्रोप्रिएशन अकाउंट है इसके अप्रोप्रिएशन अकाउंट है और इसके अंडर जो है हमने रिअप्रोप्रिएशन की डिटेल्स दी, कैपिटल और रेवेन्यू अकाउंट्स की डिटेल्स दी, इसके अंदर हमने एक्सेस सरेंडर वगैरह सब दिया, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं हम कि ये रिअप्रोप्रिएशन किसने कराई, एक्सपेंडिचर सच में उसी चीज पे हुआ कि नहीं, ये एक्सपेंडिचर जो है सच में जो ऑथराइज्ड अथॉरिटी थी उसके थ्रू हुआ कि नहीं. ये तीन चीजें जो है हम उसमें जरूरी ही दिखाएंगे क्योंकि तब जाके ही आपका जो है एक्चुअल बजट मॉनिटरिंग, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट, एक्चुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिख सकती है. अगर आप इन चीजों के बगैर वो बाकी चीजें दिखाएंगे तो उसका फन नहीं मिलेगा. यानी रिअप्रोप्रिएशन हुई बट आप ये नहीं बता रहे किसने की, कैसे की, क्या वो परमिसिबल थी, या बताएंगे कि सरेंडर हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस चीज की वजह से हुआ, वो आप नहीं बता रहे तो वो लॉजिक नहीं बनेगा.
इस वजह से मैंने आपको बोला कि जो तीन चीजें एबीसी है ये जरूरी देनी है वाइल प्रिपेयरिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और फिर जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन उसमें हमें देनी है हम वो देते हैं. फाइन, इन जीएफआर अब हमें क्या बताया गया है कि किस तरीके से अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनने चाहिए, कौन बनाएगा, कौन सबमिट करेगा. तो हमें बताया गया है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज की है रेलवे को छोड़ के, और सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट्स की पोस्ट्स और डिफेंस सर्विस को छोड़ के, वो प्रिपेयर करेंगे प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर उन कंसर्न मिनिस्ट्रीज की, उन कंसर्न डिपार्टमेंट्स की, अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. और फिर इन अकाउंट्स को कौन साइन करेगा? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटीज, यानी जो सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं कंसर्न मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स के. फाइन, उसके बाद यूनियन गवर्नमेंट के जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं सिविल वाले, जैसे मैंने ऊपर बताया आपको सेंट्रल सिविल डिपार्टमेंट्स, तो यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स ऑफ द सिविल डिपार्टमेंट्स वो पार्लियामेंट को सबमिट किए जाते हैं एनुअली. तो इस वजह से वो प्रिपेयर भी किए जाने चाहिए एनुअली, और उन्हें प्रिपेयर कौन करेगा? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स. ठीक है, और ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है ये यूनियन के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स कैसे बनाएगा? जो ऊपर हमने पॉइंट वन में सेंट्रल मिनिस्ट्रीज का बोला कि वो देंगे अपने अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, उन सारे डिपार्टमेंट्स को कंसोलिडेट करके जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है वो एक कंसोलिडेटेड अकाउंट बनाएगा अप्रोप्रिएशन वाला. तो ऑब्वियसली वो जो कंसोलिडेटेड सारी मिनिस्ट्रीज का बनेगा विद दीज एक्सेप्शंस, वो बनेगा यूनियन गवर्नमेंट का. ठीक, अब जो हमने ऊपर एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट्स रखे थे, यानी एक्सक्लूड किए डिपार्टमेंट्स रेलवे वगैरह का, क्योंकि आपको पता है रेलवे बजट वगैरह का डिफरेंट थोड़ा सा ही होता है नेचर, पैसेज वगैरह, तो उस बारे में हमें क्या बताया गया है कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो कि पोस्ट्स और डिफेंस सर्विसेज के हैं उन्हें प्रिपेयर और साइन करेंगे सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स. ठीक, और जो रेलवे के होंगे वो चेयरमैन रेलवे बोर्ड करेगा. ठीक है, नाउ दूसरा जो हमारा टाइप था एनुअल अकाउंट्स का वो है फाइनेंस अकाउंट्स. अब ये फाइनेंस अकाउंट्स क्या होते हैं? फाइनेंस अकाउंट्स जो है वो एक गवर्नमेंट के एक फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ, कितना आउटगोइंग हुआ. रिसिप्ट आउटगोइंग मींस रेवेन्यू, डिसबर्समेंट मींस जो पैसा आया और जो एक्सपेंडिचर हुआ. ठीक, मैं साथ साथ आपको रेस्पेक्टिवली मीनिंग्स बता रही हूँ. रिसीट्स एंड आउटगोइंग्स मींस रिसीट्स यानी रेवेन्यू, आउटगोइंग्स मीन एक्सपेंडिचर. तो फाइनेंस अकाउंट में क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर ईयर में, यहां खाली ईयर लिखा है, ईयर का मतलब फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती है गवर्नमेंट की वो फाइनेंशियल ईयर के लिए ही होती है. तो अगर खाली ईयर ही लिखा है तो दैट मींस फाइनेंशियल ईयर. तो फॉर अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर जो भी रिसीट्स और आउटगोइंग्स यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की डिटेल्स है, साथ ही साथ रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट्स की डिटेल्स, उसके साथ पब्लिक डेट्स की डिटेल्स, लायबिलिटीज और एसेट्स की डिटेल्स, इन सभी डिटेल्स का एक ओवरऑल अकाउंट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस अकाउंट. ठीक, यानी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना रिसिप्ट हुआ, कितना रेवेन्यू आया, कितना डिसबर्समेंट हुआ, प्लस फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो कि हमें रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट्स से मिले वो, अकाउंट्स ऑफ पब्लिक डेट्स उनके जो रिजल्ट्स हमारे पास है वो, लायबिलिटीज एंड एसेट्स उनके जो हमारे पास रिजल्ट्स है वो, इन सब का एक मिला हुआ अकाउंट बनाया जाता है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंस अकाउंट. ठीक है, तो फाइनेंस अकाउंट जो है एक गवर्नमेंट का वो रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दैट गवर्नमेंट और दैट स्टेट और दैट कंट्री. ठीक है, और
फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल उस स्टेट का दिखाता तो है फाइनेंस अकाउंट, और उसके साथ साथ ही हमें ये उस गवर्नमेंट की ओवरऑल डिटेल्स प्रोवाइड करता है रिसीट्स और डिसबर्समेंट की, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि इसमें रिसीट्स, आउटगोइंग्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द रेवेन्यू, कैपिटल अकाउंट्स, अकाउंट्स ऑफ पब्लिक डेट्स, लायबिलिटीज अकाउंट्स, एसेट्स वगैरह का, इस सब का एक ओवरऑल जो एक एक्सप्लेनेटरी वास्ट अकाउंट बनता है उसे हम कहते हैं फाइनेंस अकाउंट। तो ऑब्वियसली फाइनेंस अकाउंट एक गवर्नमेंट और एक स्टेट का हमें ओवरऑल फाइनेंशियल पोजिशन प्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ रिसीट्स और डिसबर्समेंट की डिटेल्स तो देता ही है, है ना। नाउ एज पर GFR, ठीक है, जनरल फाइनेंशियल रूल्स, हमें क्या बताया गया है कि जो फाइनेंस अकाउंट होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उन्हें मेंटेन कौन करता है, उन्हें रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ दोज डिपार्टमेंट्स जो है वो मेंटेन करते हैं, और यहां पे कोई एक्सक्लूजन नहीं किया गया है मिनिस्ट्रीज का, जैसे हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा, ठीक है। तो जो रेस्पेक्टिव हेड्स ऑफ दोज मिनिस्ट्रीज जो है, जब वो इन अकाउंट्स को मेंटेन करेंगी, तो उसके बाद जो है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स जो है वो ओवरऑल प्रिपेयर करता है एक फाइनल स्टेटमेंट, उस ओवरऑल एक यूनियन का फाइनल स्टेटमेंट, यानी मिनिस्ट्रीज के जो फाइनेंस अकाउंट्स बनते हैं थ्रू दियर रेस्पेक्टिव हेड्स, तो उसके बाद उन सारे फाइनेंस अकाउंट्स को जो है एक कंसोलिडेट करता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और उन्हें फिर फाइनली काउंटर साइन करता है कौन, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और फिर वो जो स्टेटमेंट बनता है वो बनता है फाइनेंस अकाउंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। समझ आई बात। यानी फाइनेंस अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के, जिसमें रेलवे भी आएगा, जिसमें हमारा पोस्ट वगैरह भी आएगा, वो बनाए जाते हैं, यानी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के बनाए जाते हैं उनके रेस्पेक्टिव हेड्स के अंडर, ठीक है। और उसमें क्या होता है फिर फाइनली जो है उन सब का एक जो फाइनल कंसोलिडेशन करता है वो कौन करता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, और फिर उस कंसोलिडेशन को काउंटर साइन करता है सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइन, ठीक है। तो अब तो यूनियन का हमने देखा कि कैसे बनता है फाइनेंस अकाउंट, बिकॉज मिनिस्ट्रीज का तो फिर अलग अलग से बनता है, जब हमें यूनियन का बनाना हो यानी सेंट्रल लेवल पे बनाना हो तो ऑब्वियसली वो सारी की सारी मिनिस्ट्रीज के जो फाइनेंस अकाउंट्स होंगे उनको कंसोलिडेट करके बनाया जाता है, ठीक है। नाउ अंडर आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स सिविल और यूनियन फाइनेंस अकाउंट्स होते हैं वो सबमिट किए जाते हैं, यानी कि जो एनुअल अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स होते हैं सिविल, क्योंकि उसमें हमने कुछ डिपार्टमेंट्स की एक्सक्लूजन की, और उसके बाद यूनियन के, क्योंकि उसमें सारी की सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को हमने इंक्लूड किया है ना, ये दोनों अकाउंट्स जो है वो सबमिट किए जाते हैं पार्लियामेंट को ऑन द एडवाइस ऑफ CAG ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ऑन द एडवाइस ऑफ CAG ऑफ इंडिया फाइनली दोनों अकाउंट्स जो है पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के थ्रू जो है सबमिट किए जाते हैं। तो अब क्या डिफरेंस थी इनमें, फाइनेंस अकाउंट में हमने देखा कि गवर्नमेंट की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेट की ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन अलोंग विद द डिटेल्स ऑफ रिसीट्स एंड डिसबर्समेंट हमें दिखाया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, वेयर एज जब हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पे हमें कंपैरिजन दिखाया जाता है कि कितना बजट मिला था और कितना ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली इंप्लीमेंट हुआ, कहां हमें जो है सरप्लस रहा, कहां सरेंडर करना पड़ा, कहां एक्सेस दिखा हमें, कहां रीअप्रोप्रिएशन करनी पड़ी, वो चीज जो है अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंडर आती है। वायर एज जो ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए स्टेट ऑफ ए गवर्नमेंट वो हमें फाइनेंस अकाउंट से मिलता है, यानी अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें एक पर्टिकुलर चीज दिखाता है कि बजट दिया कितना और खर्चा कितना हुआ और कैसे हुआ, वायर एज फाइनेंस अकाउंट में बजट दिया कितना, खर्चा कितना हुआ, कितना आपके पास वहां से रेवेन्यू भी आया वो भी दिखाया जाता है, उसके बाद कितना आपका जो है एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह रेवेन्यू अकाउंट कैपिटल अकाउंट्स की जो भी आपकी फाइनल डिटेल्स होती है वो भी दिखाई जाती है, ठीक।
तो एक और बात, हमने देखा कि फाइनेंस अकाउंट में एक्सपेंडिचर तो बताया ही जाता है, साथ में रेवेन्यू की डिटेल भी बताई जाती है कितना हुआ, जो कि हमारे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है। वहां पे खाली आपका एक्सपेंडिचर ही खाली दिखाया जाता है कि कितना बजट मिला था और किस तरीके का उसका एक्सपेंडिचर हुआ। फाइन, ये मेन डिफरेंस है कि फाइनेंस अकाउंट में हम ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, जिसमें ऑब्वियसली रेवेन्यू भी आएगा और रेवेन्यू भी आएगा और एक्सपेंडिचर भी आएगा, यानी रिसीट भी आएगा और डिसबर्समेंट भी आएगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका खाली जो है बजट आता है कि कितना दिया था और किस तरीके से वो फिर ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हुआ, उन दोनों का कंपैरिजन आता है। फाइन, यानी यहां पे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको रिसीट्स नहीं आते, रेवेन्यू नहीं आता, खाली डिसबर्समेंट्स, खाली एक्सपेंडिचर आता है, वायल एज फाइनेंस अकाउंट में आपको रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। फाइन, तो फाइनेंस अकाउंट बहुत ही वास्ट होता है, वेयर एज अप्रोप्रिएशन अकाउंट उतना वास्ट नहीं होता, बिकॉज उसमें हम खाली एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग डील करते हैं, वेयर एज फाइनेंस अकाउंट में एक्सपेंडिचर भी है, रेवेन्यू भी है और बाकी सारी जो आपकी लाइबिलिटीज है या रेवेन्यू कैपिटल अकाउंट्स की डिस्क्लोजर्स है वो सब आते हैं। ठीक, नाउ हाउ आर एनुअल अकाउंट्स प्रेजेंटेड? एनुअल अकाउंट्स क्या है, कौन बनाता है, किस तरीके से बनाया जाता है, वो हमने बताया। तो एनुअल अकाउंट्स जो है कैसे प्रेजेंट किए जाते हैं, ठीक, अप्रोप्रिएशन एंड फाइनेंस अकाउंट्स जो है, यानी दोनों ओवरऑल एनुअल अकाउंट्स, उन्हें प्रिपेयर करेगा अपनी रेस्पेक्टिव अथॉरिटी, जो हमने अभी पीछे पढ़ी कि कौन सेक्रेटरी करेगा, कौन हेड करेगा, कौन मिनिस्ट्री का क्या करेगा, कौन डिपार्टमेंट का क्या करेगा, तो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी जो भी हमने अभी पीछे पढ़ी वो बनाएंगे म्यूचुअली डेट जो उन्होंने एग्री किया होगा उस पे, और फिर उस एग्री डेट पे क्या होना चाहिए कि उन्होंने अपॉइंट किया, मतलब अपॉइंटमेंट ली होनी चाहिए किसी सीएजी से भी, सो दैट उन उसकी भी उसमें जो है कॉन्करेंस रहे। फिर ये जो एनुअल अकाउंट्स है ये किस प्रोफार्मा या फॉर्मेट पे बनाए जाते हैं, ये जो प्रोफार्माज या फॉर्मेट है उन्हें प्रेस्क्राइब करता है प्रेसिडेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए भी और फाइनेंस अकाउंट के लिए भी जो प्रोफार्माज प्रेस्क्राइब किए जाते हैं वो देता है प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, और फिर सीएजी ऑफ इंडिया ही जब फाइनलाइज वो हो जाते हैं उसको जो है अपनी सर्टिफिकेट उस पर डाल देता है, ठीक है कि हाँ जी ये और ये चीज ऐसे है, यानी सर्टिफाई भी वही करता है। फाइन, यानी अप्रोप्रिएशन और फाइनेंस अकाउंट दैट मींस एनुअल अकाउंट्स जो है वो म्यूचुअल डेट्स पे बनाए जाते हैं रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज के थ्रू इन कंसल्टेशन विद सीएजी, और किस फॉर्मेट पे, किस प्रोफार्मा पे, जो कि प्रेसिडेंट ने इन अकाउंट्स के लिए प्रिस्क्राइब किए होते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी ऑफ इंडिया, और फिर सीएजी ऑफ इंडिया ही उस पे जो है अपनी सर्टिफिकेट जो है दर्ज कर लेते हैं। फाइन, उसके बाद जो ये सर्टिफाइड अकाउंट्स अब बन जाते हैं एनुअल के, यानी एनुअल अकाउंट्स के जो ये सर्टिफाइड अकाउंट्स बन जाते हैं, क्योंकि सर्टिफाई किया ना सीएजी ने, अब ये सर्टिफाइड एनुअल अकाउंट्स बन गए, ठीक, और उसके बाद जो इनके रिगार्डिंग रिपोर्ट्स वगैरह है वो सबमिट किए जाते हैं सीएजी के थ्रू, किसको, प्रेसिडेंट को, ठीक, यानी सारे बन गए उन फॉर्म्स पे जो प्रेसिडेंट ने बताए थे ऑन द एडवाइस ऑफ सीएजी, सीएजी ने अपनी सर्टिफिकेट भी दर्ज कर ली, हाँ जी ये सब ठीक है, ऐसे 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 है, डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स भी साथ में रख लिए, अपनी रिपोर्ट्स भी साथ में रख ली, तो फिर जो ये सर्टिफाइड एनुअल अकाउंट से सीएजी क्या करता है काम, वो इन्हें सबमिट करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट जो है वो फिर आगे इन्हें पार्लियामेंट में जो है पेश करता है। फाइन, नाउ अब हमारे पास कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज है या कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज है, ऑटोनोमस बॉडीज है, उनमें क्या मसला है, जो भी उनके फाइनेंशियल मतलब मामले होते हैं वो डिस्क्लोज किए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ दैट एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री और दैट बॉडी, ठीक है, और वो जो मैंने बताया आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज हो या पीएसयूज हो, उनके जो है क्या मसला होता है उनका, उनकी होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, है ना, जैसे हमें पता है उनकी जो है गवर्नमेंट का कुछ हिस्सा होता है और पब्लिक
उनका कुछ हिस्सा होता है या प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं या जॉइंट वेंचर्स होते हैं, इस वजह से उनका क्या हो जाता है, एक एनुअल रिपोर्ट बनाया जाता है और फिर वही जो है सबमिट किया जाता है आगे. फाइन, विद दिस आज का लेक्चर मैं कंक्लूड करती हूँ. आई होप आपको सब समझ आया होगा. अगर कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो आज के टॉपिक्स के रिलेटेड, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं दिए गए ईमेल पे, या फेसबुक पेज पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, या कमेंट में ही लिख सकते हैं. जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि कंटेंट सारे जो हमारे मिनिस्ट्रियल कैडर के कुलीग्स हैं उन तक पहुँचे और वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें. थैंक यू वेरी मच.